अभारूपस्य विश्वस्य अभारूपस्य विश्वस्य भानं भासन्निधेर्विना भानं भासन्निधेर्विना कदाचिन्नावकल्पेत कदाचिन्नावकल्पेत भाचाहं तेन सर्वगः भाचाहं तेन सर्वगः तेन सर्वगः चूंकि ऐसा ऐसा है इसलिए मैं सर्वव्यापक हूं, इसलिए अतः बोले किस लिए, कैसे आप कह रहे हैं आप सर्वव्यापक है? तो यहां पर कहा कि ये जगत कैसा है, तो अभारूपस्य विश्वस्य, यह विश्व है अभारूप, अभारूप का मतलब है जड़, भा शब्द से अर्थ होता है चेतन, भा मतलब प्रकाश, अभा अभा मतलब जड़, यहां आभा नहीं है, हाँ अभा है, तो यह जड़ रूप है। अब कहते हैं ये जड़ रूप जगत, इसका ज्ञान कभी संभव नहीं है, या इसका ज्ञान तब तक संभव नहीं है जब तक चेतन का सानिध्य इसको न मिले। जब तक चेतन की सन्निधि इसको नहीं मिलेगी, जड़ चीज का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जड़ कहते ही इसको है, जिसको न तो स्वयं का भान है न दूसरे का भान है। तो ये जो इनर्ट वर्ल्ड है, यह जगत अपना ज्ञान हमको नहीं करा सकता स्वयं से। जब तक चेतन की सन्निधि नहीं होगी, तब तक जड़ जगत का ज्ञान होता नहीं। और बस इसलिए कह दिया कि मैं सर्वव्यापक हूं, बोले ये क्या हुआ, चेतन की सन्निधि के बिना जड़ जगत का ज्ञान कभी संभव नहीं है, अतः मैं चैतन्य सर्वत्र विद्यमान हूं। बोले ये तो समझ में नहीं आया, पहला वाक्य तो ठीक है, लेकिन चेतन की सन्निधि के बिना जड़ जगत का ज्ञान नहीं होता, इससे ये कैसे सिद्ध हो गया सर्वव्यापक है। तो देखो, हमको सतत जगत का भान हो रहा है ना, जब भी जगत को हम देखते हैं हमको भान हो रहा है, तो चेतन की वहां सन्निधि है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा, थोड़ा सा कठिन है। देखिए, जैसे एक कमरा है, उस कमरे में एक कुर्सी रखी हुई है और उस कमरे में अंधेरा है। अब उस अंधेरे में रखी हुई कुर्सी का ज्ञान हमको होता है क्या? नहीं। कुर्सी का ज्ञान कब होगा? तो बोले जब आप एक बल्ब लाइट उसका प्रकाश वहां पर होगा या उसको डालेंगे तब। तो अब क्या हुआ, जो कुर्सी थी वो स्वतः तो अभारूप थी, उसने अपने अस्तित्व को नहीं बताया, लेकिन उसका अस्तित्व हमको दिखने लगा, उसका ज्ञान होने लगा, कब? जब प्रकाश का सानिध्य उसको मिला। प्रकाश के सन्निधि से वह कुर्सी प्रकाशित हो गई। कुर्सी वहां पर थी लेकिन दिख नहीं रही थी, क्यों? बोले सन्निधि नहीं थी। अच्छा, हम देख रहे हैं और एकदम कुर्सी नहीं दिख रही है, क्यों? लाइट चले गए। मतलब इससे सिद्ध है कि उसका भान ज्ञान अनुभव तभी होगा जब प्रकाश वहां पर होगा। अच्छा, एक यहां पर मजेदार बात यह है कि जब उस कमरे में प्रकाश होता है तो प्रकाश को हम एक अलग वस्तु के रूप में नहीं गिनते, हम कभी ये नहीं कहते कि एक और वस्तु है, हम कहते कुर्सी टेबल इतनी सब दिखने लगी, क्योंकि प्रकाश का ऐसा कोई एक, जैसे कुर्सी का आकार है वैसा आकार नहीं है, वो पूरे कमरे में व्याप्त है और उसकी सन्निधि में जो जो चीज आ रही है उसका ज्ञान हो रहा है, कुर्सी है, टेबल है, पुस्तक है, अमुक है।
तो आप कह सकते हो कि वह प्रकाश उस पूरे कमरे में क्या है, व्यापक है, और उसके बिना वो जो चीजें हैं उसका ज्ञान होता नहीं जब तक उसका संपर्क या टच ना हो। ठीक ऐसे ही अब आइए सिद्धांत में, जगत में जितनी वस्तुएं दिख रही वो है सब जड़, पशु पक्षी ये जो क्या कहते हैं चराचर जगत, जब तक मुझ में ये चेतना नहीं होगी, चेतन का स्पर्श उस जड़ वस्तु को नहीं होगा, तब तक वह कुर्सी है, टेबल है, जो भी कोई पुरुष है होगा नहीं। चेतन यदि वहां नहीं हो और बाकी सब चीजें हो तो भी उसको कोई भान नहीं होगा, इसलिए मृत व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं होता। तो अब जो चीज भी हमारे सामने आ रही है, जहां भी हम जा रहे हैं, चेतन का संपर्क उन वस्तुओं से हो रहा है। सूर्य को भी देख रहे हैं तभी जब अपनी चेतना का सन्निधि किसकी किससे हुई, सूर्य से। अब आप ऐसा देखेंगे पूरे ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं तो मतलब पूरे ब्रह्मांड को चेतना का क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। जब पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, व्यापक है, तो फिर चेतन भी कैसा हो जाएगा, व्यापक होगा कि नहीं। इस तरह यहां ऐसा अद्भुत तर्क दिया है कि चूंकि संपर्क से ही ज्ञान होता है, और चेतन देखो, चेतन यदि लिमिटेड होता, सीमित होता, चेतन केवल हमारे कमरे की वस्तुओं से ही जुड़ता तो कमरे की वस्तु का ज्ञान होता, सूर्य का ज्ञान हमको नहीं होता। लेकिन सूर्य का भी ज्ञान हो जाता है, मतलब सूर्य तक बोलना पड़ेगा ऐसा, सूर्य तक वो चेतना मानो की क्या हो गई, पहुंच गई। तो धूल के कण से लेके आकाश गंगा तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो चेतन के संपर्क से है, तो स्वाभाविक ही चेतन को व्यापक होना पड़ेगा, नहीं तो केवल जो कमरे में चीजें हैं या जो घर में चीजें हैं या एक शहर में चीजें हैं उसी का ज्ञान होगा, चेतन को यदि हम सीमित मानेंगे। इसलिए यहां पर कह दिया अभारूपस्य विश्वस्य भानम भा सन्निधेर विना, सन्निधेर विना न भानम, और कदाचित न अवकल्पेत भाचाहम तेन सर्वगम, कभी भी मुझको इस जगत का ज्ञान होता नहीं, व्यापक जगत का, यदि चेतन व्यापक नहीं होता। एक और तर्क है चेतन की सर्वव्यापकता में, बड़ा सरल तर्क है, कठिन नहीं है, जिसका आकार होता है वो सीमित होती है, वो चीज सीमित होती है, और जिसका आकार नहीं है वो ऑल परवेडिंग सर्वव्यापक।